तो दोस्तों आज है इकतीस जनवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एच इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज दोस्तों अगर आपका इस कंपनी में निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को जानेंगे और चार्ट पैटर्न को एनालाइज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस कंपनी में इस वक्त निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं और अगर दोस्तों आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमार्ट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप बड़ी आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको हंड्रेड रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हर एक चीज़ को तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आपको स्क्रीन डॉटिंग पर इस कंपनी का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है आप देख सकते हो एच बी सी इंडस्ट्रीज इंगेजेड इन द बिजनेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर फॉर फूड प्रोडक्ट्स तो बेसिकली फ्रूट प्रोडक्ट्स पे ये कंपनी काम करता है ठीक है इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर देखेंगे आप इस वक्त 101 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है आप देख सकते हैं इसका करंट शेयर प्राइस छः रुपये अठारह पैसा हो चुका है इस साल में हाईएस्ट बना चुका था साढ़े दस रुपये के आसपास अगर आप लोअर देखेंगे दोस्तों तो नाइन्टी वन पैसा बनाया था उसके बाद इस कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था दोस्तों इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ठीक है जिससे हमें पता चलता वैल्यूएशन कंपनी का शेयर्स महंगा हो चुका है या फिर सस्ता हो चुका है तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो इस वक्त क्या चल रहा है बाकी का चीज़ें हम लोग देख लेते हैं तो इस कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे बहुत ही शानदार है इस वक्त सत्रह रुपये के आसपास लेकिन डिविडेंड के मामले में ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है जीरो है ठीक है बाकी का चीज़ें देख लेते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉइंट फिफ्टी सिक्स पे माइनस पे चल रहा है ठीक है और ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी पे ये नाइन्टी वन परसेंट का माइनस चल रहा है अगर आप इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो दस रुपये का है दोस्तों इस वक्त इस कंपनी का फेस वैल्यू लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कभी भी बदल सकता है चेंज हो सकता है तो आपको चेक करता रहना है एवरी डे अगर आप ऐसे कंपनी में निवेश करके रखते हैं तो ये सब चीज़ों में बदलाव आता रहता है कभी भी बदल सकता है ठीक है आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा स्क्रू डाउन करके जो आपको इस कंपनी में निवेश करने से पहले जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग टाइम देखेंगे बुक वैल्यू का तो बहुत ही शानदार है इस वक्त स्टॉक इस ट्रेडिंग एट जीरो पॉइंट थर्टी सेवन टाइम्स इज़ बुक वैल्यू तो इस वक्त बहुत ही शानदार नंबर है बहुत ही कम नंबर है आप इस नंबर के साथ बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो ऐसे कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स पर तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो अगर दोस्तों रिटर्न और इक्विटी पे अगर आप ओवरऑल तीन साल का देखेंगे तो यहाँ पर डेढ़ परसेंट के आसपास का माइनस दिया है कोई बड़ी बात नहीं है अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता तो आने वाले दिनों में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है अभी हम देखेंगे इस कंपनी का टोटल प्रोमोटर्स का होल्डिंग कितना है और सारे होल्डिंग किसके पास है तो दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे सितंबर 2021 की क्वार्टर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इस कंपनी का प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हो फोर्टी मतलब ऑलमोस्ट फोटी के आसपास प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में इस वक्त अगर आप इसका डोमेस्टिक इन्वेस्टर का निवेश देखेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट का है हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे टोटल पब्लिक का साढ़े बावन परसेंट के आसपास का प्रोमोटर्स का होल्डिंग बचा है तो एक पेनी स्टॉक्स के मुताबिक इस कंपनी का फंडामेंटल अभी भी ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसे फंडामेंटल में आपको निवेश करना चाहिए थोड़ा बहुत लिमिटेड कैपिटल क्योंकि पेनी स्टॉक्स रिस्की होता है आपको डुबो सकता है आपको मालामाल भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने के बाद हम चलेंगे अभी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे जहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको ऐसे कंपनी में किस तरह से निवेश करना चाहिए तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न फ्राइडे का है फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने तक ये पाँच परसेंट के आसपास का अपर सर्किट दे चुका था तो आज मार्केट खुलने को ही आया है बस दो तीन मिनट में खुल जाएगा तो आज के दिन देखेंगे हम किस किस तरह से ये कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस हफ्ते में ये कंपनी लगातार लोअर सर्किट पर जा चुका था थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है तो वीकली चार्ट पैटर्न के मुताबिक देख सकते हैं आप ये शेयर लगातार लोअर सर्किट दे रहा था फाइनली एवरी डे लोअर सर्किट वाला चार्ट पैटर्न जारी था बट यहाँ पे दो दिन से फिर से अपर सर्किट शुरू कर चुका है तो यहाँ पे टोटल साढ़े पाँच परसेंट के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है इस हफ्ते का अगर मंथली चार्ट पैटर्न देखें दोस्तों तो छब्बीस परसेंट से ज़्यादा नीचे गिर चुका था ये शेयर अभी भी गिरा हुआ है एक महीने में आपको छब्बीस परसेंट का लोअर सर्किट दे चुका है ये हाइएस्ट बना चुका था दस रुपया दस रुपये के बनाने के बाद दोस्तों ये कंपनी में लगातार गिरावट आया है और दस रुपये का शेयर यहाँ पे छः रुपये पर आकर इस कंपनी को एक सपोर्ट मिला है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना है इस हफ्ता इस हफ्ते में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो आप बहुत ही आसानी से इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं थोड़ा बहुत कैपिटल के साथ में मैक्स सिक्स मंथ का चार्ट पटर्न में यहाँ पे अंठावन परसेंट फिफ्टी एट परसेंट का ठीक ठाक रिटर्न है छः महीने से ये लगातार कॉन्सॉलिटेड जोन पे चला ठीक है चार रुपये का शेयर देख सकते हैं यहाँ पे चार रुपये से ढाई रुपये उसके बाद कभी ऊपर नहीं गया यहाँ पे दिसंबर की शुरुआत में एक ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे तीन रुपये का शेयर सीधा दो रुपया हो चुका था आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे इस कंपनी को एक सपोर्ट मिल चुका है तो आने वाले दिनों में हो सकता है अपर सर्किट की ओर जाता रहे लगातार मैक्स टू मैक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैक्स पाँच साल में आपको साढ़े के आसपास का ठीक ठाक रिटर्न दिया है मैक्स टू मैक्स चार पैटर्न में दोस्तों कभी लोअर सर्किट पे नहीं गया ये कंसोलिडेटेड जोन पे चलते चलते आपको अपर सर्किट ही दिया है आप देख सकते हो एक रुपया था 2017 में इसका शेयर प्राइस एक रुपये से 76 पैसा लास्ट बनाया उसके बाद फिर से ऊपर गया दो रुपये बनाया फिर से थोड़ा सा 82 पैसे के आसपास तो यहाँ पे इस तरह से ये कंपनी चल रहा है आप अगर गौर करेंगे तो इस लो से ज़्यादा ये देर कभी लो नहीं बनाया ऊपर ही बनाया है तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये अच्छा करेगा चार्ट बटन के मुताबिक ये अपर सर्किट चल रहा है ठीक है तो मैक्स टू मैक्स दिखा देता हूँ मैक्स टू मैक्स 2013 में शुरुआत हुआ था इस कंपनी का दो रुपया पचासी पैसे के आसपास उसके बाद ये कंपनी ऊपर नहीं गया है ठीक है सत्तर अस्सी पैसे के आसपास घूमता रहा बट फाइनली अगर आप 2021 में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल आया है इस कंपनी में लेकिन आपको लिमिटेड कैपिटल में इन्वेस्ट करना है क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन महंगा हो चुका है इस वक्त तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है और अपना पैसा सेव रखने के बाद निवेश करना है सेव रखने का मतलब किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले सॉरी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल समझना है बारीकी से हर एक चीज़ को दोस्तों उस कंपनी का बारीकी से हर एक चीज़ को जानना है एनालाइज करना है पूरी तरह से उसके बाद ही निवेश करना है और अगर आप निवेश करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल बिल्कुल करना है दोस्तों वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद